सवाल यह है कि क्या 2024 में एक देश एक चुनाव का ट्रेलर दिखने वाला है? इसकी चर्चा क्यों हो रही है? चार राज्यों में पहले से ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव तय हैं, मगर अब बिहार और जम्मू कश्मीर को लेकर भी ऐसी ही चर्चा है। इसकी बड़ी वजह तेजस्वी यादव का एक बयान है जो उन्होंने बिहार सरकार को लेकर दिया है। तेजस्वी के बयान के मायने क्या हैं और कैसे भविष्य की राजनीति गरमा रही है, उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का दावा क्या सही साबित होगा? क्या इस बार एक देश एक चुनाव का ट्रेलर दिखने वाला है? क्या लोकसभा के साथ 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे? ये सब आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसा जरूर चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद उनका क्या करेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने की चर्चा तेजस्वी ने छेड़ी है। इसके कई संकेत भी हैं और कई मायने भी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना तय है, क्योंकि 2019 में भी इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए थे। इसके साथ ही चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आयोग लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा के साथ 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जो एक देश एक चुनाव की तरफ एक शुरुआती कदम हो सकता है। बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बिहार में नए सियासी समीकरण बनाने की उम्मीद से तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। मगर बड़ा सवाल है कि उन्हें हासिल क्या होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव नतीजे देखें तो 40 सीट में से बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 16 सीटों पर जेडीयू को कामयाबी मिली। एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं, कांग्रेस एक सीट तक सीमित रही और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे, इसीलिए उनकी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। इस बार भी नीतीश फिर बीजेपी के साथ आए हैं। ऐसे में तेजस्वी के एक साथ चुनाव वाले बयान से हलचल जरूर बढ़ गई है। जो जनविश्वास यात्रा निकाले हैं, वो परिवार विश्वास यात्रा निकालते तो ज्यादा बेहतर था। जो व्यक्ति आज तक परिवार से बाहर ना निकला हो और आरोपों में आरोप घिरे रहे हैं, वो क्या जनविश्वास निकालेंगे? क्योंकि बिहार में विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, यानी अभी तकरीबन 21 महीने का वक्त है। सवाल ये है कि क्या 21 महीने पहले सत्ता पक्ष के विधायक चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? क्या नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? ऐसे कोई बातें नहीं है, उनको कहने दीजिए, उनको हम नहीं कुछ कहेंगे। और लोग आलोचना करें और जानते हैं जो भी रेस का घोड़ा होता, काम करने वाला होता, आलोचक भी होते हैं। हमारे नेता को आलोचना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता के लिए जीते हैं। से ये उल्टा पलटी हुआ है, हम लोग विधानसभा में एक चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी आपस में कन्फ्यूज़न है, कंट्राडिक्शन है और आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। विधान परिषद में भी कल हम लोग देख रहे थे के जनता दल यू और भाजपा के लोग ही के पाठक के मामले में आपस में भिड़े हुए हैं, सरकार से और विपक्ष में वो लोग भी शामिल हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग अलग दावे हैं और इसी पर पूरी राजनीति टिकी है। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब आरजेडी 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 74 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर रही और जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। बिहार की राजनीति में हमेशा हलचल बनी रहती है, ऐसे में तेजस्वी भी अपने दावे के साथ नई बिसात बिछा रहे हैं। उनका दावा कितना सही साबित होगा ये भविष्य बताएगा, मगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर कई संकेत हैं, जिसमें 20 फरवरी को पीएम मोदी की कश्मीर यात्रा भी शामिल है।
पीएम ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में कई विकास योजनाओं की सौगात दी और 370 सीट का दावा भी दोहराया। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। 2019 में धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने इतिहास रचा और 2024 में 370 सीट जीतकर बीजेपी इतिहास रचना चाहती है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर भी हलचल है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये आदेश दे चुका है कि सितंबर 2024 तक हर हाल में चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट भी अपडेट की जा चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर में साथ साथ चुनाव हुए तो फायदा किसे होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें थी, मगर अब लद्दाख सीट अलग हो गई है। इसी आधार पर नतीजे देखें, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 2019 में 3 सीटें आई थी, बीजेपी ने 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और पीडीपी का खाता नहीं खुला। लद्दाख लोकसभा सीट भी तब बीजेपी के ही खाते में गई थी। 2019 के बाद परिस्थितियां बदली हैं, सीटों का परिसीमन हुआ है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में लोकसभा के 7 विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, मगर कब क्या होगा इसके लिए इंतजार चुनाव आयोग के फैसले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज।